क्या कर रहे हो? बरगद लगाने की जगह ढूंढ रहा हूँ। यहाँ बरगद नहीं लगते, देवदार लगा। देवदार बहुत समय लेता है। आपके पास समय की कमी है क्या? हमेशा कम लगता है। जब मैं देवदार को देखता हूँ तो मुझे जादू जैसा लगता है। और जादू अपना काम करने के लिए पूरा जीवन मांगता है। चलो देवदार लगाते हैं। मेरा नाम सूरज सिंह नेगी है। बहुत पहले एक गहरा गड्ढा खोद के मैंने इस नाम को भीतर कहीं दफन कर दिया था। नहीं, दफन नहीं किया था। दफन किया होता तो उसका सूरज नाम का एक पेड़ उगाता जिसकी छाया तले मैं सो सकता था। मैंने तो उसे जला दिया था। अब उस चले की राख जाने कब से घर की चौखट पर पड़े इंतजार कर रहे थे आज का इस क्षण का, एक तेज हवा का। बाबा, आपका पत्र आया है। आपके गांव से आया। आपकी कोई मौसी थी बाबा, उनका देहांत हो गया है। हे सूरज, सूरज, thank you.
अरे बाबा कहाँ थे आप? मैंने अकेले ही पूजा की। ये लीजिए प्रसाद। बाबा प्रसाद। मुझे नहीं चाहिए। अरे दद्दू फिर आ गए, बोला ना मैं वापस नहीं आऊंगा। अरे मेरी साधना चल रही है, सबको परेशान कर रखा है आपने। ये लो प्रसाद, लो लो। क्या ये मिठाई? सूरज। अभी तक तैयार नहीं हुआ, चल जा नहा ले, स्कूल को देर हो रही है। एक बार गांव में बहुत तेज हवा चलेगी और मैं उड़ने लगूंगा, स्कूल के ऊपर से निकल जाऊंगा, सबको पढ़ते हुए देखूंगा, मगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तैयार हो गया? सूरज? सूरज? जल्दी आ, स्कूल के लिए देर हो रही है। इधर आओ। बुखार है मुझे। कहाँ? स्कूल नहीं जा पाऊंगा। हाथ तो गर्म है। बुखार है बहुत, स्कूल नहीं जा पाऊंगा मैं तो। स्कूल जाते ही सब ठीक हो जाएगा। सीधा स्कूल जाना। चलते चलते कैसे आऊंगा? चल जा, थक के जा अभी। जादू देखेगा। आप जाइए, आपसे नहीं हो रहा है। आप बोल रहे थे ना जोकर हैं, आज तो कोई नहीं रहा है। मेरे बापू के सब रास्ते थे, इसलिए वो विदूषक हो गए। उनके विदूषक होते ही लोगों ने उन पर हंसना बंद कर दिया। अगर जोकर हंसा ना पाए तो भी वो जोकर हो सकता है। ये ले। कितनी अच्छी है। चुपचाप खाना खा ले, चुपचाप खाना खा के निकल जाना, यहाँ से दिखना मत यहाँ। मैं अंदर आ जाऊँ? निकल यहाँ से। जाता हूँ जाता हूँ, मारना मत। सूरज, कुछ खाने को है तेरे पास? मुझे नहीं देगा? नहीं। तेरी कसम अब दारू नहीं पीऊंगा। झूठे। मेरे पास भी है तुझे देने के लिए कुछ, ये ले। पहले तुझे पता है मैं पेड़ पे ही रहा करता था, इतना रहा पेड़ पे कि पूंछ निकल आई मेरी। वाह!
पिताजी को बोलना कि नहीं करनी मुझे डॉक्टर। बेटा मर गया मैं उनके लिए। ऐसा नहीं बोलते। और अगर आप फिर आए ना तो ऐसी जगह भागोगे कि पकड़ नहीं पाओगे, समझे? जाओ। अमर, आप मुझे बोल देते, मैं भिजवा देता। बाबा भगवान कसम दारू नहीं पीऊंगा। और तूने फिर दारू पी ली? मैंने कहा था ना दारू मत पीना। नहीं दूंगी खाना। आना मत यहाँ पे कभी। निकल यहाँ से। दारू पी के आ जाता है। सूरज, अरे कसम से तेरी कसम, मैंने दारू नहीं पी रहे। देख देख देख, देखो आपकी फोटो अलमारी में मिली। अच्छा, संभाल के रखी है उसने। आप सचमुच हिमालय गए थे क्या? तो फिर बेटा मैं पोर्टर था, पहले मैं ही जाता था सबसे आगे। तेरा बाप चट्टी पहन के हिमालय पे चढ़ा है। कुछ भी, लेकिन आपने तो उसमें बहुत ढेर सारे कपड़े पहने। अरे तेरे बापू को देख के अंग्रेज सब चकित रह गए थे, उनके कैमरे गिर गए हाथ से। तो मेरी ठीक से फोटो ही नहीं खींच पाए अंग्रेज। लोग हिमालय जाते क्यों? अब बेटा ऐसा कहते हैं कि लोग कागज पे अपना सीक्रेट लिखते हैं और बड़ी मेहनत से हिमालय की चोटी पर पहुंचकर पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर जब वो सीक्रेट छोड़ देते हैं तो नीचे नहीं गिरता, ऊपर ऊपर और ऊपर, सबसे ऊपर चला जाता है। आपने भी किया क्या कभी ऐसा? हाँ। आपका सीक्रेट क्या था? सीक्रेट बताते थोड़ी हैं,
सीक्रेट बहुत सीक्रेट होता है। मेरे पास भी बहुत सीक्रेट है। अरे बाप रे, बता बता क्या सीक्रेट है। सीक्रेट बताते थोड़ी है। मैं अगर विदूषक होता तो सबको पेड़ बना देता, पापा को, मौसी को, माँ को और साले लल्लू को। जब जाता उनके ऊपर चढ़ जाता और जब चाहता तो उनकी छाया में सो जाता। इधर आ, इधर आ, आना। पता नहीं मेरे हाथ से नहाने के लिए क्यों मरा जाता है इतना। आ, क्या उम्र है तेरी, बोल बोल। अच्छा, शर्मा रहा है। वही शर्मा क्यों रहा है पता है। ये ना मेरे हाथ से नहाता है। पता कैसे नहाता है। बता दूं, ऐसे खड़ा हो जाता है मेरे सामने, है ना, और फिर ऐसे 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 नहाता है। कैसे नहाता है। अच्छा सुन, अब तू बड़ा हो गया है, अब नहीं नहला सकती तुझे, समझा। और सूरज छोड़ूंगा नहीं तेरे को। नहला दो। नहीं नहलाऊंगी तुझे। नहला दो। मैं बहुत पहले ठोकर खाकर गिर चुका था, जो बाद में उठकर भागा वो मैं नहीं था। मैं पहचानता नहीं हूं इसे, कौन है ये? सूरज। सांस लो बेटा जोर से, और एक बार। अच्छा, खांसो। नहीं, जॉन्डिस तो नहीं है। आ करो, आ, जबान बाहर निकालो, आ। कुछ नहीं, हल्का बुखार है।
सुनो, चूड़ियां लाए हो मेरे लिए? चल लाऊंगा। कब? जब घर जाऊंगा। कब जाओगे घर? जाऊंगा। कब? किसी ने रोका है? इतना आसान है क्या? इसमें कठिन क्या है? मैं बड़ा हो गया, इसमें कठिन ये है। नहीं, असल में तुम ना बहुत कमजोर हो। मैं मुक्त कैसे होऊंगा? अब ये सब छोड़कर घर चले जाओगे तो यहाँ के बंधन सताएंगे जिस तरह यहाँ रहकर वहां के। तो बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता कल्पना है, जैसे भगवान एक कल्पना है। मैंने भगवान को नहीं देखा है, मैंने तुम्हें देखा ना। तुमने मुझे नहीं देखा, तुमने एक सपना देखा है। तो क्या सब कुछ सपना ही था? जाग जाओ। कैसे? एक बार एक आदमी ने तितली का सपना देखा। जब वो जागा तो उसे समझ में नहीं आया कि वो आदमी है जिसने तितली का सपना देखा, या वो तितली है जो अभी आदमी का सपना देख रही है। जब जाग जाओ तब आना मेरे पास। कहाँ जा रही हो? ये तुम पूछ रहे हो मौसी? सूरज, ये ले टिफिन, सीधा स्कूल जाना। ए सूरज, ये ले पैसे। तू बाजार से आते वक्त मेरे लिए चूड़ियां ले आएगा क्या? ठीक है। ओए शर्मीले, यहाँ से लेके आना। सूरज साले कुत्ते। अरे बाबा, चूड़ियाँ चूड़ियाँ क्यों लाए? पता नहीं क्या हो रहा है, गांव में बच्चों की तबीयत बहुत बिगड़ रही है। तीन लोग बुलाने आ चुके हैं। वो तेजू के बच्चे की तबीयत बहुत ही खराब हो रही है, मैं जरा देख के आता हूँ।
खाना रखा है, खा लीजिएगा। मौसी। क्या मौसी, किधर भटक रहा था? आपके लिए चूड़ियां लेने गया था। ले आया? नहीं, मिली नहीं। तुझे पता है मैं कब से इंतजार कर रही थी तेरा? क्या मैं भी यहां बैठा इंतजार ही कर रहा था? तू इंतजार कर रहा था? किसका? आपका। मूर्ख, मैं तो हमेशा से थी वहां। नहीं, आप तो हमेशा से थी यहां। पागल, आप पहले क्यों नहीं आई? पहले? पहले कब? पहले, सबसे पहले, बहुत पहले, शुरू में। मुझे नहीं पता मौसी कैसे आती। तूने अपना नाम बदल लिया था? क्यों, नाम क्यों बदला? ताकि मुझे कोई ढूंढ ना पाए। कौन कौन ढूंढ ना पाए? आप ढूंढ ना पाए। तू छुपा हुआ है? इतनी दूर भागने की क्या जरूरत थी? पर देख, ढूंढ लिया मैंने तुझे। कितने साल लग गए? पर मिल गया ना। अब क्या? खेल खत्म हो गया ना? खेल? तो छुपा हुआ था, मैंने ढूंढ लिया। चल अब खाना खा ले। मुझे नहीं खाना है। अरे जिद क्यों करता है? सूरज खा ले। नहीं खाना मुझे। क्या कर लोगी तू? बाबा क्या नमक ज्यादा हो गया क्या? कुछ और बना दूं जल्दी से? बाबा से ढूंढ रहा था आपको। अरे क्या हो, क्या गया है बाबा आपको? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? बाबा कहाँ जा रहे हैं? घर। घर? क्या कह रहे हैं आप? किसके घर? मैं सब कुछ छोड़ के अपने घर जा रहा हूं। क्या मतलब? अमर, मैं झूठा आदमी हूं। इतने सालों से जंगलों में छुपा बैठा था। मेरा अपना घर है, मैं अपने घर जा रहा हूं। तुम भी लौट जाओ, अपने घर वापस चले जाओ। लौट जाऊं? मैं वापस नहीं जा सकता। जब मैं जा सकता हूं तुम भी जा सकते हो।
मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं नहीं जा सकता। तुम क्यों आए हो यहाँ? मुझे यहाँ कहाँ, मैं आपके पास आया था। क्यों, तुम मेरे पास क्यों आए थे? मैं अपना सब कुछ छोड़ के आया था। तुमने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा अमर, मैं पूछ रहा हूँ तुम यहाँ क्यों आए थे? मुझे मोक्ष, ज्ञान। झूठ मत बोलो। ये आपको तब पूछना चाहिए था जब मैं आया था, बहुत देर हो चुकी है। देर नहीं हुई है, अब भी लौट जाओ। मैं नहीं लौट सकता, कहा ना मैं आपको भी जाने नहीं दूंगा। आप मुझको छोड़ के कैसे जा सकते हैं बाबा? अब हम दोनों एक हैं, आप जानते हैं। हाथ छोड़ो अमर। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अमर हाथ छोड़ो। मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ ताकि आप मेरी बात समझें। मैं कभी कभी अपना सबसे खूबसूरत सपना याद करता हूँ। मेरा सबसे खूबसूरत सपना भी कभी बहुत खूबसूरत नहीं था। मेरे सपने भी थोड़ी सी खुशी में बहुत सारे सुख चुगने जैसे हैं, जैसे कोई चिड़िया अपना खाना चुगती है। पर जब उसे एक पूरी रोटी मिलती है तो वो पूरी रोटी नहीं खाती है, तब भी वो उस रोटी में से रोटी चुग रही होती है। बहुत बड़े आकाश में भी हम अपने हिस्से का आकाश चुग लेते हैं। देखने के लिए हम बहुत खूबसूरत और बड़ा आसमान देख सकते हैं, पर जीने के लिए हम उतना ही आकाश जी पाएंगे जितने आकाश को हमने अपने घर की खिड़की में से जीना सीखा है। आप आगे। अमर मैं ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ, अब तुम संभाल लेना। अमर आप लोगों के साथ रहेगा। अब तो बहुत बड़े झूठे हुए बाबा, झूठे। बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं सच में आपके बिना मर जाऊंगा बाबा। आपको यकीन नहीं होता ना, आपको यकीन नहीं होता ना। आप लोग जाइए। अमर, thank you.
सूरज तू घर आ गया? वो सब कुछ बहुत दूर है, क्या वापसी संभव है? कहीं से भी, किसी भी तरफ। मैं आंखें बंद करता हूं तो लगता है छू सकता हूं सारा कुछ, पर बात करते ही सब गायब हो जाता है। रूह जैसी कोई चीज नहीं है, मेरी सांस के साथ जो भी भीतर गया था वो चिपक गया था। इस बीच जब भी आंखें खिली हुई हैं, उस चिपके हुए की पपड़ी चढ़ी है। हार्ड मास के बने इस पिंजरे की धरातल झूठ की बनी है, जिस पर हर पपड़ी का झड़ना देर तक गूंजता रहा है। चिपकने और गूंजने के अलावा भीतर कुछ और सत्य नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं होती है, वो सब कुछ बहुत दूर है, और मेरी दूर की नजर कमजोर होती जा रही है। क्या हो रहे हैं सब? उतारिए सब, चलिए चलिए यहां से। क्या है ये सब, मेला लगाए यहां? चलिए सब उठाइए, ये सब चलिए। बाबा, आपसे कोई मिलने आए? मुझे नहीं मिलना किसी से, कह तो बाबा मर गया है। कहते हैं कि आपके भाई हैं। सामान नीचे रख। ठीक हूँ बाबा, ठीक हूँ। जूता था नहाएगा, पानी गर्म करके लाता हूँ। भूख भी लगी होगी ना तुझे, मैं तेरे लिए अच्छा खाना बनाता हूँ। Thank you.
आधा किलो प्याज भी देना। जी। नहीं, झोला दे दीजिए। अमर, मैं भी कल सुबह चला जाऊंगा। मुझे खुशी है। मुझे माफ कर देना। टमाटर लिया आपने? अरे हाँ, पाव भर टमाटर भी दीजिए। हाँ। चल, प्रणाम बोलो। ले भाई, सुबह से भूखा होगा ना। तो मैंने तुझे लाके बिठा लिया, कुछ खिलाया नहीं अभी तक। ले, गरम गरम खाना खा ले। ये ले, खा ले। बस बस। कैसा बना बाबा? ये घर के कागजात है, इन पर आपके दस्तखत चाहिए। दस्तखत? हाँ, वो आपके बगैर बिक नहीं रहा ना, और वो खंडहर हो चुका है, और लोगों ने वहां कब्जा कर लिया है। पर भाई, मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे साथ। अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। भिंडी की सब्जी भी अच्छी बनी है। बाबा, मुझे बहुत काम है, मैं कल सुबह ही निकलूंगा। ठीक है। ये ले टिफिन, सीधा स्कूल जाना। बापू, बहुत भूख लगी है, दारू भी नहीं पी। मुझे पता है रोज दारू पीते। कुछ है तेरे पास खाने के लिए? खाना गिरा था। छूटे खाएंगे।
सूरज? उसको तंग सूरज सूरज साले ने आज चड्डी पहन रखी थी कितना सुंदर हंसती है बापू खाना का डर लेकर नींद में बैठा हूं, या तो उसे उठकर काला पाऊं या हमेशा के लिए उसे सुनहरा ही रहने दूं और कभी ना उठूं। मैं समाधि लूंगा। बाबा मुझे माफ कर दो, मैं सच में ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। जब तक आपकी समाधि पूरी नहीं हो जाती मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है अमर। नहीं बाबा, ये मेरा पश्चाताप है। अमर कितना मेरे जैसा दिखने लगा है। मेरे बनाए झूठ के पहाड़ पर खड़ा होकर ये सच तलाश रहा है। मेरा सबसे बड़ा गुनाह होगा ये अगर मैंने इसे नहीं रोका। अमर, मैं नहीं चाहता समाधि के बाद तुम इसे आगे बढ़ाओ। ये झूठ यहीं मेरे साथ खत्म हो जाना चाहिए। ये मेरे लिए झूठ नहीं है, मैंने इससे बड़ा सच आज तक नहीं देखा। तो ये सच अपने पास ही रखो, इसे आगे मत बढ़ाना। बाबा, गांव वाले यहाँ बहुत बड़ा मंदिर बनाना चाहते हैं। आपकी समाधि पूरी होते ही ये जगह एक तीर्थ स्थान में बदल जाएगी, आप अमर हो जाएंगे। नहीं, ये झूठ अमर हो जाएगा, मैं नहीं।
मेरे लिए यही सच है, लेकिन मैं इसे रोकना चाहता हूँ कैसे भी। अमर, अमर बाबा, आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि पूरी जिंदगी मैं सच्चे मन से आपकी सेवा कर सकूं। दद्दू, पहला खुश रहा तेरे लिए लाया। अरे दद्दू रहने दो, नहीं चाहिए। बाबा समाधि ले रहे हैं, बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है यहाँ। और हाँ, पिताजी से कहना अगर उन्हें मेरे दर्शन करने हैं ना तो यहाँ आना पड़ेगा। सुन, मैं जा रहा हूँ, आज के बाद मैं कभी नहीं आऊँगा। मैंने भगवान को नहीं देखा है, मैंने तुम्हें देखा है। तुमने मुझे नहीं देखा, तुमने एक सपना देखा है। तो क्या सब कुछ सपना ही था? जाग जाओ। कैसे? बापू, हिमालय में सिगरेट का क्या होता है? क्या हिमालय क्या? चले मरवाएगा, सीक्रेट की बात किसी के सामने नहीं करते। अब ये तेरा मेरा सीक्रेट है, किसी को मत बताना। वो जो सीक्रेट है ना, वो असल में अर्जी है, अर्जी माफी की। वो उड़ते हुए भगवान के पास जाती है और भगवान वो पढ़ते ही लोगों को माफ कर देते हैं। तुझे भी जीवन में कभी भी माफी की जरूरत पड़े ना, तो एक पर्ची फाड़ना और उसमें माफी लिखकर छोड़ देना आसमान में, भगवान पढ़ते ही तुझे माफ कर देंगे। कसम से।
छुड़िया नहीं लाना मेरे लिए। सूरज, ए सूरज, सावधु बनेगा। दद्दू, अच्छा कसा पत्थर? डॉक्टर बन रहा था। पत्थर क्यों मार रहे हो? दद्दू रुक जाओ, अरे रुको। मार हो रही है। अरे दद्दू लग जाएगी। बाप रे, अरे इसका सावधु बनने की पड़ी है। अरे पत्थर, पत्थर क्यों मार रहे हो दद्दू? रुक जाओ। क्या हुआ? मत, मर तो यहीं पे। बताओगे बाद में? अरे रुको 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 रुको। दद्दू, क्या हो रहा है ये सब? हटाओ ये सब। तुम भी बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर देना, और काम वालों से कहना कि ये दरवाजा तभी खुलेगा जब समाधि पूरी होगी। नहीं बाबा, मैं अंत तक आपके साथ रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बाबा, अब ये दरवाज़ा सबके लिए बंद है। जब तक आपकी समाधि पूरी नहीं हो जाती, ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा। ओ जगतो रक्षणाथार्य वासुदेवो जरोमर स कुमार दिरूपणे अवतारान गरोच्यत अरिह स प्रथम देवम कौमार्यम सर्गमास्थितः चचार दुश्वरम ब्रह्म ब्रह्मचर्यम खंडितम द्वितीय तु भवायास्या रसतल्लगता महिम उद्दृश्य उत्पाद्यते यज्ञशः सौकरहम वपु तृतीय मृषि सर्ग तु देवर्षि मेध्यायस्य तत्ययस्या मत्सो नाजित विभुम एह पृष्ठो यथा प्राह तथा प्रपा निबोधतः व्यास उवाच शृणुसुत प्रवक्ष्यामि पुराण गारुडम तब सह नारद दक्षा ब्रह्म मामुक्त्वा वान्यथाः सुत उवाच दक्ष नारद मुक्तवेसे युक्त या कथा मुक्तवान ब्रह्मा श्री गारुडम पुड्यम पुराणम सार्वमित्रदूते जनार्दन हरि उवाच शृणु रुद्र प्रवक्ष्यामि सर्व दीन पाप नाशनं मुझे दीजिए, मैं लगा देता हूँ। बाबा, परमात्मा परम ब्रह्म जगज्जन निलयाद्रिकता
तदेतव धर्मवाद्यव्य स्वूपवत पर निगम करोधु दद्दू पानी पानी तालाब कहाँ गया मुझे पानी पानी था तो तालाब कहाँ यही तो था पानी तालाब कहाँ गया सुख यही तो था पानी मुझे पानी से पानी तालाब तालाब ये रहा यही तालाब पानी Thank you.
देवी इज लिटिल आप लोग कहां जा रहे हो? हम लोग हिमालय जा रहे हैं. नाइन द देवी बेस कैंप. टू वरी अबाउट इट. ट्रस्ट मी. वो बर्फ वाले हिमालय में? हां बेटा. ठीक है. मैंने बहुत बड़ी गलती की है. मैं माफी मांगने आ रहा हूँ. ये सीक्रेट को उड़ा देने पर मुझे माफ कर देना. धन्यवाद आपका सूरज. पीछे पीछे क्यों आ गया हमारे? हाँ ठंड लग जाएगी तो फिर नीचे उतरना पड़ेगा हमको भी. जूते भी नहीं, नंगे पांव घूम रहा है. अब मेरे जूते तुझे पहनाने पड़ेंगे. किसी का छूट नहीं है बच्चा? हाँ दे चल. पिछली छुट्टियों में आए तो मौसम इतना खराब हो रहा है और तू ऐसे बैठा हुआ यहाँ पे. सामान पैक कर. सेब है क्या? आगे देखते हैं कुछ मिलेगा तो. सिर भी नंगा है, क्या सोच के चला हमारे साथ तू? तेरा बाप क्या करता? वो विदूषक है. जोकर? हाँ. सर्कस में? नहीं गाँव. गाँव क्या खबर थी जी? सर आगे तीन तीन लैंडस्लाइड हो रखी है, वापस जाना पड़ेगा. चलो सामान पैक कर. जी. अरे बच्चे सुन, हम वापस जा रहे हैं, तुझे गांव छोड़ देंगे. ठीक है? मुझे गांव नहीं जाना, मुझे माफी मांगनी. Thank you.
Is it good?
एक बार एक आदमी सैकड़ों मील पैदल चलकर एक साधु के पास पहुंचा। उससे पूछा, बताओ कौन सा रास्ता है सत्य को पाने का। साधु ने कहा, वहीं जहां से तुम आए हो। पर सत्य कहां था? जहां वो पहुंचा था या जहां से वो चला था?